प्रीता ने ढूंढ लिया ऋषभ को और ऋषभ की हो गई वापस से जी। हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब जेल में पृथ्वी प्रीता को देखकर प्रीता से सवाल करेगा और कहेगा कि प्रीता जी आप यहाँ पर क्यों आई हैं, कहीं जो मेरा दिमाग सोच रहा है वो सही तो नहीं, तब यह सुनकर प्रीता कहेगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर इस जगह पुलिस स्टेशन में मैं करण को जेल से बाहर निकालने आई हूँ तो ऐसी गलत फहमी रखो ही मत, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने बिजनेस पार्टनर यानी कि करण लूथरा को जेल से बाहर निकालने आई हो, जो मुझे करना चाहिए, और ऐसा तो अपने दिमाग में सोचना ही मत कि मैं करण को अपना पति मानकर उसे जेल से बाहर निकाल रही हो, क्योंकि मैं करण को अपना पति मानती ही नहीं हूँ, वो मेरे लिए बस एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। यह सुनकर तुरंत पृथ्वी दौड़ते हुए पीछे करण के पास जाएगा और करण को कहेगा कि तुमने सुन लिया ना, तुम प्रीता के लिए उसके पति नहीं हो बल्कि तुम प्रीता के लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। यह सुनकर करण के होश उड़ जाएंगे, लेकिन जब प्रीता जेल में करण से मिलने के लिए जाएगी तभी करण प्रीता के सामने हाथ जोड़कर प्रीता को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर जाने के लिए कह देगा और करण प्रीता को विनती करते हुए कहेगा कि प्लीज प्रीता तुम मेरे लिए बस एक काम कर दो, आइंदा से तुम अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना और ना ही आइंदा से मैं तुम्हारे लूथा हाउस में कदम रखूंगा, मैं कहीं भी मर कर जी लूंगा लेकिन तुम्हारे अंडर कभी नहीं आऊंगा। ये करण के मुँह से सुनकर प्रीता को काफी बड़ा झटका लगेगा और प्रीता करण की बातों को दिल में लेकर जब रोते हुए पुलिस स्टेशन से और जेल से अपने घर के लिए लूथ हाउस के लिए निकल जाएगी और जब प्रीता लूथ हाउस में पहुंचेगी तभी राखी माँ लूथ हाउस के दरवाजे पर ही प्रीता को जोर से तमाचा मार देगी और रोते हुए राखी माँ प्रीता को कहेगी तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरी वो आखिरी उम्मीद भी तोड़ दोगे, तुमने लूथ हाउस की इंडस्ट्री और बिजनेस की लालच में पूरी दुनिया के सामने मेरे बेटे करण को ही अपना पति मानने से इनकार कर दिया, मुझे घिन आती है तुम्हें प्रीता बेटी कहने पर, और रोती हुई राखी माँ कहेगी प्रीता मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, तेरे साथ मैं सासू माँ की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह रहती थी लेकिन तुमने उस ममता पर भी पानी फेर दिया। यह सुनकर प्रीता कुछ बोल नहीं पाएगी और तभी वहाँ पीछे खड़ी करीना बो राखी माँ को कहेगी अच्छा हुआ आपके सामने आखिरकार प्रीता का असली चेहरा आ ही गया और अब तो इसने पूरी दुनिया के सामने कबूल कर लिया है कि ये प्रीता यहाँ पर पैसों के लिए आई है। यह सब सुनकर बिना कुछ बोले प्रीता चुपचाप अपने कमरे में रोती हुई चली जाएगी, जिस वजह से जब प्रीता अपना सारा सामान पैक करके लूथा उसको छोड़कर जाएगी और करण को जेल से बाहर निकालने के लिए और लूथा उसको पहले की तरह ठीक करने के लिए जब प्रीता ऋषभ को पूरी दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर निकालने के लिए जाएगी तभी जाते वक्त प्रीता किसी को नहीं बताएगी, लेकिन जब प्रीता घर छोड़कर ऋषभ को वापस लाने के लिए पूरे 2 साल पहले से लेकर अब तक की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी तभी ऋषभ कहाँ है इसके बारे में प्रीता को सबूत मिलेंगे, जिसे फॉलो करती हुई प्रीता ऋषभ के पास पहुंचेगी, लेकिन जब प्रीता लूथा उसके पीछे के जंगलों की ओर जाएगी तभी वहाँ प्रीता को कुछ ऋषभ की निशानियाँ मिलेगी जिसे देखकर प्रीता के होश उड़ जाएंगे और प्रीता को एहसास होगा कि 2 साल पहले ऋषभ जी के लूथा हाउस छोड़ जाने के बाद वो फिर से जस्ट 1 साल पहले वापस आए थे, तब पृथ्वी ने पूरे लूथा हाउस पर कब्जा कर लिया था और प्रीता को एहसास होगा कि पृथ्वी ने उसी का फायदा उठाकर ऋषभ जी को कहीं खुफिया जगह रख दिया होगा, जिसके बाद जब प्रीता लूथा हाउस के पीछे के जंगलों में ऋषभ जी को ढूंढेगी तभी ऋषभ जंगलों के बीचों बीच पृथ्वी के बनाए हुए खुफिया तहखाने के अंदर होगा और लेकिन अफसोस की प्रीता को जंगलों के बीचों बीच वो तहखाना नहीं मिलेगा, लेकिन पृथ्वी शैलिन और पूरे लूथा परिवार को पता ना चले ऐसे जब प्रीता स्पेशल फोर्स के जरिए पूरे जंगलों के बीचों बीच ऋषभ जी को ढूंढेगी तभी प्रीता को ऋषभ मिल जाएगा और ऋषभ की वापसी होते ही पृथ्वी शैलिन का पर्दाफाश हो जाएगा और लेकिन ऋषभ की वापसी होनी चाहिए क्या नहीं और प्रीता को अब ऋषभ को ढूंढना चाहिए क्या नहीं और प्रीता के साथ बुरा होगा तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और आप ऋषभ को कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं ये सब हम कॉमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।